ओम साई राम। मैं कैलाश चंद गुप्ता साई जीवन माला से सभी महान भाव का साई दरबार की ओर से मंगल कामनाएं करता हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका जो परिवार है वो किसके पुण्य से चल रहा है। इसको समझने के लिए आज मैं इस साई जीवन माला में कुछ सत्य प्रमाण के सहित प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी समाज में मैं का शब्द भरा हुआ है। मैं करता हूँ, मैं ऐसा किया और मैं ही ऐसा करूँगा। इस मैं शब्द को हटाने के लिए आज आपको यह बताने जा रहा हूँ कि आपका परिवार किसके पुण्य से चल रहा है। आइए हम उस प्रसंग में चलते हैं। रावण का भाई विभीषण था और जब तक विभीषण रावण के साथ रहा तो रावण का पुण्य बहुत प्रबल हुआ और जब रावण ने विभीषण को ठुकराया तो रावण का पुण्य इतना खराब हुआ कि वह विनाश की गति को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार महाभारत में कौरव पांडव की जब सभा हो रही थी और 5 गांव की मांग की जा रही थी, उस समय कुरुक्षेत्र के कौरव पांडव के महान संत शिरोमणि विदुर ने कुछ शब्द बोले सभा में। तब दुर्योधन ने कहा कि इस दरबार से बाहर निकाल दो। और तब भगवान कृष्ण विदुर के पास आए, बोले विदुर जी जो हुआ अच्छा हुआ, तुम्हारे ही पुण्य के कारण ये कौरव आज प्रबल हुए और तुम्हारे पुण्य के कारण ये कौरव आज प्रबल हुए। आज आप तीर्थ क्षेत्र में जाइए, आप इनका विनाश का समय आ गया है, अर्थात कौरव का नाश हुआ। इसलिए इन सारे तथ्यों को मन से निकाल कर सदैव परमात्मा के चिंतन में व्यक्ति को संलग्न रहना चाहिए। ओम साई राम।